Assalamualaikum. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I hope you all are fine and safe at home. Today is our fourth lecture of English A, Class K6. I hope you have learned the previous lesson very well and written in your neat copies, or also learned. In this lecture, we continue the reading of Unit Number 2, The Ransom of Red Chief, and we will do question answers of this chapter and also do question number 2 on book page number 20 or book work on book page number 22. Now students, come to reading on book page number 17. Students, humne previous lecture number 3 mein unit number 2 the ransom of red chief book page number 17 ke half page ki reading ki thi. जी, आपको रिव्यू देती चलूँ कि यहाँ तक हमने जब रीडिंग की थी तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि दो आदमी हैं, एक का नाम बिल है और एक ऑथर है. इन दोनों ने प्लान किया था किडनैपिंग का, क्योंकि किडनैपिंग करके उन्हें जो रैंसम अमाउंट आनी थी वो उनका प्लान था कि वो $2,000 उन्हें चाहिए थे एक लैंड को ख़रीदने के लिए. तो इसलिए उन्होंने किडनैपिंग की, और किडनैपिंग जो है वो बहुत ही रिच एक एबिनेज़र डॉर्सेट जिसका नाम था, प्रोमिनेंट सिटीज़न था, उसके बेटे का उन्होंने किडनैप किया था. और उनका था कि उनको रिटर्न करने पे उन्हें एक अमाउंट मिलेगी, जबकि वो बच्चा जो है रेड चीफ वो बहुत ही शार्प बच्चा था, जिसने उनको, वो बहुत ही खुश था उनके साथ. उसे नहीं ये लग रहा था कि मैं किडनैप हुआ हुआ हूँ, इसलिए उसने इनके नाक में दम करके रखा हुआ था. वो उनको अपनी बातें बताता रहा और बिल के साथ उसने बहुत बुरा बिहेव किया था. ये हमने यहाँ तक पढ़ा था. नेक्स्ट, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. आई वेंट टू द टॉप ऑफ द लिटिल माउंटेन एंड लुक्ड अराउंड. अब ये ऑथर कह रहे हैं कि मैं माउंटेन की यानी कि सबसे ऊपर गया एंड लुक्ड अराउंड और इधर उधर देखा. ओवर टू वर्ड समिट आई एक्सपेक्टेड टू सी अ सर्च पार्टी. ओवर टू वर्ड समिट, समिट के इर्द गिर्द मेरा ये ख्याल था कि कोई ना कोई सर्च पार्टी इधर सर्च कर रही होगी. बट वट आई सॉ वॉज अ पीसफुल लैंडस्केप. लेकिन मैंने क्या देखा, वो बहुत ही पुरसकून माहौल है. परहैप्स सेज आई टू माई सेल्फ, शायद मैंने अपने आप से ये कहा. इट हैज़ नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, अभी तक इन्हें इस बात का पता नहीं चला. वेन आई गॉट टू द केव आई फाउंड बिल बैक्ड अप अगेंस्ट द साइड ऑफ इट. जब मैं यानी कि वापस गया गार में, आई फाउंड बिल, मैंने बिल को देखा बैक्ड अप अगेंस्ट द साइड ऑफ इट, एक साइड पे वो बैठा हुआ है, ब्रीथिंग हार्ड, तेज़ी से सांस ले रहा है. एंड द बॉय थ्रेटनिंग टू स्मैच हिम विद अ रोक हाफ एज बिग एज अ कॉकनट. और जो बच्चा था रेड चीफ, वो जो है वो उसको क्या कर रहा है, धमका रहा है, डरा रहा है. किससे? एक पत्थर से, जो पत्थर जो है वो एक कॉकोनट जितना बड़ा है. ठीक है. ही पुट अ रेड हॉट बॉइल्ड पोटैटो डाउन माई बैग, एक्सप्लेन बिल. बिल ने क्या कहा है, बिल कह रहा है कि इसने एक बड़ा गरम आलू जो है वो मेरी बैग पे मारा है. एंड देन स्मैश्ड इट विद हिज फुट, और फिर उसे अपने पाँव से मसल दिया है. एंड आई हिट हिम, और फिर मैंने इसे मारा है. आई टुक द रोक अवे, मैंने आई टुक द रोक अवे फ्रॉम द बॉय, मैंने पत्थर को बॉय के हाथ से छीना और उसे दूसरी तरफ फेंका. एंड काइंड ऑफ पैच्ड अप द आर्ग्यूमेंट, और एक तरह से उनके दरमियान में मैंने सुलह कराने का काम शुरू किया. आई विल फिक्स यू सेज द किड टू बिल, जो बच्चा है वो बिल को कह रहा है मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर लूँगा. बाय एंड बाय बिल काम्स डाउन एंड सेज, आहिस्ता आहिस्ता बिल जो है वो नरम दिल पुरसकून हो गया. एंड सेज, और कहा, सैम यू वुड नॉट गो अवे. अब सैम ऑथर जिसको कह रहा है, ऑथर को कह रहा है बिल कि तुम अब यहाँ से नहीं जाओगे. एंड लीव मी हेयर अलोन, और मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे. विल यू, क्या तुम ऐसा करोगे. आई वेंट आउट एंड कॉट दैट बॉय, मैं बाहर गया और लड़के को पकड़ा. एंड शूक हिम अंटिल हिज फ्रेकल्स रेसल्ड. जी, अब सैम कह रहा है कि मैं बाहर गया और लड़के को पकड़ा और उसे झंझोड़ा, और तब तक झंझोड़ा जब तक उसके चेहरे पर जो
ब्राउन स्पॉट्स से वो नहीं, यानी कि रेटल्ड हो गए, खड़खड़ाने लग पड़े, यानी कि उसे डर नहीं लग गया। इफ़ यू डू नॉट बिहेव से आई, मैंने उसे कहा अगर तुम अच्छा बिहेव नहीं करोगे, आई विल टेक यू स्ट्रेट होम, मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊंगा। नाउ बी गुड, अब बिल्कुल सही हो जाओ। आई मेड हिम एंड बिल शेक हैंड्स, मैंने बिल और उसके दरमियान सुलह करवा दी। देन आई टुक बिल असाइड, और फिर मैं बिल को एक साइड पे ले गया एंड टोल्ड हिम आई वॉज गोइंग टू पॉपुलर कोव, और फिर मैंने उसे बताया कि मैं पॉपुलर कोव जा रहा हूँ, अ लिटिल विलेज 3 miles अवे, एक छोटे से कस्बे में जो कि 3 miles के फासले पर है, टू फाइंड आउट व्हाट रिएक्शन द किडनैपिंग हैड कॉज्ड, ये मालूम करने कि किडनैप करने के बाद क्या वहाँ पे मामला चल रहा है। यू नो सैम, सेज बिल्स, बिल ने कहा क्या तुम जानते हो, आई हैव स्टूड बाई यू इन अर्थक्वेक्स, फायर, फ्लड्स एंड साइक्लोन्स। बिल ने कहा कि तुम्हें पता है कि मैं अर्थक्वेक्स में, फायर में, यानी कि जलजले की हालत में भी मैं अकेला रह सका हूँ। आई नेवर लॉस्ट माई नर्व येट, मैंने तब भी अपने जो हैं एहसाब नहीं खोए थे, येट टिल वी किडनैप दैट किड, लेकिन जब से हमने इस बच्चे को किडनैप किया है, यू वुड नॉट लीव मी लॉन्ग विद देम, वो कह रहा है कि मुझे तुम लंबे अरसे के लिए अकेला मत छोड़ना, विल यू, क्या तुम ऐसा करोगे। जी नेक्स्ट बुक पेज नंबर 18 पे देखें, आई विल बी बैक सून सेज आई, मैंने उसे कहा मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। यू मस्ट कीप द बॉय अम्यूज्ड टिल आई रिटर्न, तुमने इस बच्चे का दिल लगा के रखना जब तक मैं वापस आ जाऊंगा। लेट्स राइट द लेटर टू मिस्टर डॉर्सेट, मैं चलो फिर मिस्टर डॉर्सेट को लेटर लिखते हैं, डिमांडिंग द रैंसम एंड हाउ इट शुड बी पेड, और अपनी डिमांड उनसे तावान की जाहिर करते हैं, एंड हाउ इट शुड बी पेड, और वो उन्हें उसे किस तरह से पे करनी है। बिल एंड आई रॉट इट वाइल रेडचीफ स्ट्रटर्ड अप एंड डाउन, बिल और मैं ने खत लिखा जबकि जो रेड चीफ है वो इधर उधर घूमता रहा, गार्डिंग द केव और गार का ध्यान रखता था। बिल बैग्ड मी टीयरफुली टू मेक द रैंसम $1500 इंस्टेड ऑफ 2000, बिल ने मुझसे यानी कि इल्तजा की कि उसके आंखों में आंसू थे कि जो रैंसम तावान है वो $2000 की बजाय $1500 कर दो। सो टू रिलीव बिल आई एग्रीड, मैंने बिल को हौसला देने के लिए मैं इसकी बात मान गया। और फिर ये देखिएगा ये लेटर का पोर्शन है जो आपको इन वर्डिंग्स में नज़र आ रहा है, एबेनेज़र डॉर्सेट वी हैव योर बॉय, एबेनेज़र डॉर्सेट को हाथ लिख रहे हैं और ESQ उसको रिस्पेक्ट देने के लिए लिखा है, वी हैव योर बॉय, हमारे पास तुम्हारा लड़का है। इट इज़ यूजलेस फॉर एनी वन टू अटैम्प्ट टू फाइंड हिम, ये बहुत ही बेकार होगा अगर कोई यानी कि उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। वी विल ओनली रिटर्न हिम, हम उसे उसी सूरत वापस करेंगे, इफ़ यू मीट दीज टर्म्स, अगर तुम हमारी इन शरायत को पूरा करोगे। वी डिमांड $1500, हमने $1500 की शर्त रखी है, द मनी टू बी लेफ्ट एट मिड नाइट, और ये जो रकम है ये तुमने आधी रात में, टू नाइट एट द सेम बॉक्स, आधी रात की उस रात में तुमने उसी बॉक्स में रखनी है, एज योर रिप्लाई, जहाँ तुम अपना जवाब दोगे, एट द लॉन ट्री, और अकेले दरख्त के नीचे, यानी कि वो वहाँ पे एक वीरान दरख्त था। सेंड योर आंसर बाय मैसेंजर एट 8:30 टू नाइट, और अपना जो आंसर है वो हमें मैसेज के थ्रू आपने देना है, और वो क्या टाइम हो, वो 8:30 यानी कि 8:30 का वक्त हो रात। इफ़ यू अटैम्प एनी ट्रेजरी, और अगर तुमने कोई गड़बड़ की यानी कि तुमने कोई चलाकी की, यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन, तुम अपने लड़के को वापस दोबारा नहीं देख सकते, देखोगे। If you pay the money, और अगर तुम यानी कि अमाउंट पे कर दोगे, he will be returned to you safe and well, और अगर तुमने अमाउंट पे कर दी तो हम तुम्हें उसी तरह सेव और अच्छे तरीके से उसे वापस कर देंगे। These terms are final, ये terms जो हैं ये final हैं, and if you do not accede, और अगर तुम इसे कबूल नहीं करोगे, no further communication will be attempted, और अगली कोई बात भी हम नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, टू
डेस्पेरेट मैन, और ये जो दो लोग थे इन्होंने ये खत लिखा था एबिनेज़र डॉर्सेट को, उसमें उन्होंने अपना सारा यानी कि बयान कर दिया कि हमें इतना रैंसम चाहिए और कहाँ कहाँ आपने पे करना है। नेक्स्ट देखिएगा, आई वॉक टू पॉपुलर कोव एंड सैट अराउंड द पोस्ट ऑफिस स्टोर। अब बिल कह रहा है ये खत लिख लिया उन्होंने उसके पास बैठ के, लेकिन अब ऑथर क्या कह रहे हैं, मैं पॉपुलर कोव एक जगह का नाम है वहाँ गया एंड सैट अराउंड द पोस्ट ऑफिस स्टोर, और डाक खाने के साथ ही एक स्टोर था वहाँ बैठ गया, चैटिंग टू कस्टमर्स और कस्टमर्स के साथ बातें करने लगा। वन गाय सेज दैट ही हियर समिट इज ऑल अपसेट। एक आदमी को मैंने कहते हुए सुना कि समिट के जो लोग हैं वो बहुत ही परेशान हाल हैं ऑन अकाउंट ऑफ एल्डर डॉर्सेट बॉय। किस लिए परेशान हाल हैं कि एल्डर डॉर्सेट का जो सबसे बड़ा बेटा है वो लॉस्ट यानी कि गुम गया है या किडनैप हो गया है। दैट वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू नो, मैं यही सुनना चाहता था। आई पोस्टेड माई लेटर सरेप्टिशियसली एंड केम अवे। मैंने अपना लेटर जो है वो पोस्ट ऑफिस में डाला और खुफिया, इस पे खुफिया अंदाज में उसने डाला कि किसी को मालूम ही ना हो, और काम अवे और मैं चल पड़ा। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन आई got back to the cave, जब मैं वापस बिल में आया, the boy were not to be found, so I waited. बिल और लड़का मुझे वहाँ पे नज़र ना आए और मैंने इसका उनका इंतज़ार किया। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद बिल अपीयर आउट ऑफ द बुशेज। बिल जो है वो झाड़ियों में से आता हुआ दिखाई दिया। बिहाइंड हिम वॉज अ किड, उसके पीछे जो है वो बच्चा भी था। स्टेपिंग सॉफ्टली लाइक अ स्काउट, और वो इतनी आहिस्तगी से चल रहा था जिस तरह से स्काउट चलते हैं। With a broad grin on his face, और उसके यानी के फेस पे एक लंपी मुस्कुराहट थी। Bill stopped, took off his hat. Bill रुका और उसने अपनी हैट जो है वो ऊपर की and wiped his face with a red handkerchief, और उसने अपने फेस को साफ किया एक लाल रुमाल से। The kid stopped about 8 feet behind him, और जो बच्चा है वो उससे 8 मील के फासले पर रुक गया। Sam says Bill, बिल ने कहा, बिल ऑथर को कह रहा है, सैम आई एम सॉरी बट द बॉय इज़ गोन, मैं माजर चाहता हूँ लेकिन बच्चा जो है वो जा चुका है। आई हैव सेंट हिम होम, मैंने उसे घर भेज दिया है। आई हैव बीन सब्जुगेटेड टू सच ऑफुल टॉर्चर्स, मैंने अब यानी कि जो उस बच्चे ने मेरे साथ यानी कि एक्सरसाइजेस की थी, मैं उनसे अब आवाजार हो चुका था, इसलिए मैंने ऑफुल टॉर्चर यानी खौफनाक अजियतों से अब वो परेशान था, इसलिए वो उससे कह रहा है कि उन एक्सरसाइज से परेशान हाल होकर मैंने अब उसे घर भेज दिया है। आई रीच माई लिमिट, अब मेरी बर्दाश्त दबाव दे चुकी है। व्हाट्स द ट्रबल बिल, आई आस्क, मैंने कहा, बिल मसला क्या है। आई वॉज रोड लाइक अ हॉर्स सेज बिल, बिल ने कहा मैं इतनी तेज भागा जिस तरह के घोड़ा चल सकता है। देन आई वॉज गिवन ऑड्स, यानी कि बिल कह रहा है मुझे इतनी तेज़ दौड़ाया गया जितना तेज़ ये घोड़ा भाग सकता है। देन आई वॉज गिवन ऑड्स, और मुझे क्या खाने के लिए दिए ऑड्स। सैंड इज़ नॉट ईटेबल, और कह रहा है जो कि रेत खाने के काबिल नहीं है। आई टेल यू, मैंने तुम्हें बताया सैम, अ ह्यूमन कैन ओनली स्टैंड सो मच, एक आदमी जो है वो बहुत देर तक ज़िंदा रह सकता है। आई टेक्स हिम डाउन द माउंटेन, में यानी पहाड़ से नीचे की तरफ आया। ऑन द वे द किक्स एंड बाइट्स बट ही इज गोन होम, मैं पहाड़ से नीचे की तरफ आया और मुझे इतने यानी कि उस बच्चे को, जब वो कह रहा है, बिल एक्सप्लेन कर रहा है कि जब मैं उस बच्चे को वापस यानी कि उसको घर भेज रहा था तो मुझे कितनी उसने बाइट्स की, किक्स की यानी कि मारा, लेकिन फिर भी मैं उसे, बट ही इज गोन, लेकिन वो चला गया। I showed him the way, मैंने उसे रास्ता दिखा दिया। I am sorry we lose the ransom, मैं तुमसे माजरत करता हूँ कि हमने तावान जो है वो खो दिया है। But it was either that or me to the madhouse, लेकिन ये इससे बेहतर है कि हम या तो मैं या तुम पागल खाने चले जाते। Bill ने मुझसे कहा, I have a look behind you, Bill ने मुझसे कहा अपने पीछे देखो। Bill turns and sees the boy. Bill पीछे मुड़ा और उसने देखा, and loses his complexion and sits down, और उसने अपने हॉर्स और उसका complexion यानी कि उसका रंग जो है वो
उड़ गया, यानी कि लूज का मतलब है यानी कि उसके होशो हवास उड़ गए। फॉर एन आर आई वॉज अफ्रेड फॉर हिज माइंड, कुछ घंटे के लिए। अब सैम ऑथर कह रहा है कि कुछ घंटे के लिए मैं बहुत खौफजदा हुआ कि इसके जहन को क्या हो गया है। एंड देन आई रिमाइंडेड हिम दैट वी वुड गेट द रैमसम एंड बी ऑफ विद इट बाय मिडनाइट। और मैंने फिर उसे रिमाइंड यानी कि याद दहानी करवाई कि हमने जो तावान की अमाउंट है उसके लिए यानी कि उन्हें लेटर लिख दिया है विद इट बाय मिडनाइट और आज रात का कहा है। इफ़ ऑल डोरशेट पेड अप, अगर वो ऑल डोरशेट पे कर देगा, सो बिल ब्रेस्ड हिमसेल्फ raised himself, तो बिल ने अपने दिल को मजबूत कर लिया। दिस वॉज माई स्कीम फॉर कलेक्टिंग द रैनसम विदाउट बींग कॉट, ये हमारा जो स्कीम है अमाउंट को कलेक्ट करने की, ये विदाउट बींग कॉट यानी कि ये उसको पकड़ के कॉट यानी कि किडनैप करके करनी थी। द ट्री अंडर विच द आंसर, वो दरख्त जिसके नीचे हमें आंसर मिलना है। एंड एंड लेटर द मनी, और जहाँ पे बाद में फिर पैसे भी आने हैं। वॉज टू बी लेफ्ट वॉज इन अ वाइड ओपन एरिया, वो कहाँ है, वो एक बहुत ही खुला मैदान है जिसके नीचे ट्री है और वहाँ पे उन्हें रिटर्न जो है मैसेज और अमाउंट वहाँ मिलेगी। इफ़ एनी पुलिस केम, और अगर वहाँ पुलिस आ जाती है, आई वुड सी देम अ माइल ऑफ, हम उसे एक मील दूर से ही देख लेंगे। एट हाफ पास्ट एट यानी कि 8:30 बजे आई वॉज फेल हिडन इन द ट्री वेटिंग, और मैं यानी कि 8:30 बजे के करीब उस दरख्त के पास चला गया और वहाँ छुप गया और इंतज़ार करने लगा। नेक्स्ट पेज देखिएगा, एग्जैक्टली ऑन टाइम अ हाफ ग्रोन बॉयज राइड्स अप द रोड ऑन अ बाइसिकल, यानी कि बिल्कुल एन वक्त पे अ हाफ ग्रोन बॉयज आधी उम्र के लड़के जो हैं वो बाइसाइकिल पे आए। स्लिप्स अ नोट इन टू द बॉक्स, और उन्होंने जो है एक नोट जो है वो बॉक्स में डाला। एंड पैडल्ड अवे अगेन, और वापस चले गए। आई गॉट द नोट, मैंने उस नोट को पकड़ा। एंड वॉज बैक एट द केव सून आफ्टर, और मैं वापस उस केव में चला गया। बाय द लालटेन आई रीड इट टू बिल, और मैंने लालटेन के जरिए बिल को ये सुनाया। टू डिस्पेरेट मैन, जेंटल मैन आई रिसीव योर लेटर, जेंटल मैंस मैंने आप लोगों का हाथ रिसीव किया है। आई थिंक द रैनसम यू आस्क फॉर रिटर्न ऑफ माई सन लेटर हाई, कह रहा है कि जो अमाउंट आपने मेरे बच्चे के अगवा के सिलसिले में मांगी है वो बहुत ही ज़्यादा है। आई हेयर बाई मेक यू अ काउंटर प्रोपोजिशन, और इसी सिलसिले में मैं आपसे एक आपको एक आइडिया देता हूँ, जवाबी यानी कि तजवीज़ देता हूँ। विच आई एम श्योर यू विल एक्सेप्ट, और मुझे श्योर है कि आप लोग ये एक्सेप्ट कर लेंगे। यू पे मी $250 इन कैश, आपको मुझे $250 मुझे रिटर्न कर दें। एंड आई एग्री टू टेक हिम ऑफ योर हैंड्स, और फिर मैं अपना बच्चा आपसे वापस ले लूँगा। बट ब्रिंग हिम एट मिडनाइट, और लेकिन इस बच्चे को आधी रात में लेके आइएगा। सो दैट द नेबर्स डू नॉट स्टॉप यू, ताकि मेरे जो हैं नेबर्स वो आप लोगों को ना पकड़ सकें। वेरी रिस्पेक्टफुली एबेनेज़र डॉर्सेट, एबेनेज़र डॉर्सेट अपने लिए यानी उसकी तरफ से ये रिप्लाई आया है। नेक्स्ट देखिएगा, द चीक्स आई बिगिन बट आई ग्लैंस्ड एट बिल, द चीक्स ऐसी हिम्मत आई बिगिन यानी कि हमने कहा कि ऐसी हिम्मत है उसकी। बट आई ग्लैंस्ड एट बिल, लेकिन मैंने बिल की तरफ जब निकाह डाली। एंड हेजिटेटेड, और मैं बहुत ही शर्मिंदा हुआ, हेजिटेट यानी हिचकिचाया। हिज आइज वर प्लीडिंग विद मी, उसकी आंखें जो हैं मेरी तरफ जो है वो गिल्टी फील कर रही थी कि हम दोनों ने क्या ये प्लान किया। सैम सेज ही, सैम ने उससे कहा, वी हैव गॉट द मनी, हमें ये अमाउंट, वी हैव गॉट द मनी, हमें ये अमाउंट लेनी चाहिए। दिस किड विल सेंड मी क्रेजी, दे देनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चा जो है हमें पागल ही वापस भेजेगा। आई थिंक मिस्टर डॉर्सेट इज जेनरस फॉर मेकिंग अस सच एन ऑफ़र, मिस्टर डॉर्सेट जो हैं वो बहुत ही नहायत फ्याजी शख्स हैं जिन्होंने हमें ये ऑफ़र की है। डू नॉट लेट द चांस गो, इस चांस को हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। ऑनेस्टली बिल सेज आई, मैंने बिल से कहा तुम वाकई ही सच कह रहे हो। ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स टू, इसने तो मेरे भी नाक में दम कर रखा है। वी विल टेक डॉर्सेट ऑफर एंड मेक आवर गेट अवे, हमें डॉर्सेट की इस राय को कबूल करना चाहिए एंड मेक आवर गेट अवे, और इससे निजात हासिल करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, दैट नाइट वी गॉट हिम टू गो बाय सेइंग दैट हिज फादर हैड बॉट अ न्यू टॉय फॉर हिम, उसी रात हमने क्या फैसला किया कि हम
वी गॉट हिम टू गो, हम उसे साथ ले गए, क्या कहते हुए कि उसके फादर ने आपके लिए एक बहुत नया टॉय लिया है. एंड वी वर गोइंग टू प्ले विद द न्यू टॉयज द नेक्स्ट डे, और हम तुम्हारे साथ अगले दिन उन टॉयज के साथ खेलेंगे. जस्ट एट द मोमेंट, उसी ही लम्हे, व्हेन आई शुड हैव बीन कलेक्टिंग अ रैंसम, मैंने अपनी अमाउंट जो है रैंसम की कलेक्ट की. बिल वॉज गिविंग $250 टू डॉर्सेट, बिल ने जो है $250 जो है वो डॉर्सेट को दिए. व्हेन द किड फाउंड आउट वी वर गोइंग टू लीव हिम, जब बच्चे को पता चला कि हम उसे छोड़ के जा रहे हैं, ही फेस्टेंड हिमसेल्फ एज टाइट एज अ लीच टू बिल्स लेग्स, वो ऐसे जब उसे पता चला कि वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं, वो बिल की टांगों के साथ ऐसे चिपक गया जैसे कोई जोंक होती है. हिज फादर पील्ड हिम अवे, उसके फादर ने उसे पीछे हटाने की कोशिश की. हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम, तुम इसे कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो, आस्क बिल, यानी कि हमसे छुड़ा सकते हो, आस्क बिल, बिल ने पूछा. बिल ने कहा, आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आई यूज टू बी, सेज ऑल डोरसेट. ऑल डोरसेट ने कहा, अब मेरे में इतनी ताकत नहीं है जितनी कि पहले हुआ करती थी, बट आई थिंक आई कैन सरप्राइज यू 10 मिनट्स, लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ, प्रॉमिस यू 10 मिनट्स, लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि सिर्फ 10 मिनट लगेंगे. इवन सेज बिल, इनफ सेज बिल, बिल ने कहा काफ़ी है. इन 10 मिनट्स आई शेल क्रॉस द कंट्री, 10 मिनट में मैं तो ये मुल्क ही पार कर दूंगा. एंड बी ओवर द कैनेडियन बॉर्डर, और एक कैनेडियन बॉर्डर तक पहुँच जाऊँगा. एंड एज डार्क एज इट वॉज, और जैसे ही रात होती गई, एज फास्ट एज बिल वॉज, और जितना के बिल मोटा था. एंड एज गुड एज अ रनर, और जितना वो तेज भागने वाला था. एंड आई एम ही वॉज अ माइल एंड अ हाफ आउट ऑफ समिट, और वो हाफ मील ही सिर्फ जो है वो समिट से दूर गया. बिफोर आई कुड कैच अप विद हिम, इससे पहले कि मैं इसे पकड़ पाता. जी, यहाँ हमारी चैप्टर की रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई. हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो दो लड़कों ने प्लान किया था किडनैपिंग का, कि हमें $2,000 मिलेंगे, उनको उसके बदले में $250 जो हैं वो बल्कि खुद से देने पड़े. ठीक है, तो उनका ये जो उन्होंने प्लान किया था वो उन्हें बिल्कुल भी सूट नहीं किया, यानी कि उसके बदले में उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ा. नेक्स्ट अब हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 है, विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन दिस स्टोरी सेट इन, यानी कि इस स्टोरी में कौन से एरिया को, विच पार्ट ऑफ द अमेरिका का जिक्र है. द स्टोरी इज सेट इन द स्टेट ऑफ अलबामा इन द साउथ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द टू मैन डिसाइड टू किडनैप समवन, उन दो लड़कों ने क्यों डिसाइड किया किडनैप करने का. द टू मैन डिसाइडेड टू किडनैप समवन बिकॉज दे वांटेड $2,000 टू बाय सम लैंड, क्योंकि उन्हें $2,000 की ज़रूरत थी ज़मीन खरीदने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन वी हैव इन द स्टोरी दैट द किडनैपर्स हैव पिक्ड अ डिफिकल्ट विक्टम, कि उन्हें शिकार करने के दौरान वो कौन सा पहला जो है वो साइन जो किडनैपर्स को मिला था. द फर्स्ट साइन दैट द किडनैपर्स हैव पिक्ड अ डिफिकल्ट विक्टम इज दैट ही थ्रो a piece of brick at Bill's head, क्योंकि बिल्स को एक पत्थर जो है उसके सर में मारा गया था, यही फर्स्ट साइन था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, व्हाट डू वी लर्न अबाउट एबिनेजर डोरसेट. एबिनेजर डोरसेट के बारे में हमने क्या पढ़ा है. वी लर्न दैट एबिनेजर डोरसेट इज अ प्रोमिनेंट सिटीजन नोन फॉर हिज वेल्थ, वो एक इम्तियाज शहरी था और उद्योग के बहुत ही मालदार था. क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्किप है. क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, व्हाट डू वी लर्न अबाउट जोनी डोरसेट. जोनी डोरसेट के बारे में आपने क्या पढ़ा है. वी लर्न दैट जोनी डोरसेट इज 9 years old, हैज रेड हेयर्स, टॉक्स अ लॉट, इज वायलेंट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट गेम्स डिड जॉनी प्ले. जॉनी कौन सी गेम्स खेलता था. ही प्लेड अ गेम इन विच ही इमेजिन्ड ही वॉज अ रेड इंडियन. नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड बिल ट्राई टू रिलीज जॉनी बिफोर दे हैड अ रैंसम. बिल ने किस तरह से कोशिश की अपने जॉनी यानी के उससे अमाउंट लिए बगैर. दी बिल ट्राइड टू रिलीज जोनी बिफोर दे हैड द रैंसम बिकॉज ही इज बीइंग ड्रिवन मैड बाय द बॉय. जी, रैंसम लेने से पहले एक दफ़ा बिल ने उसे जान छुड़ाई थी, वो इसलिए दुराई थी कि वो पागल ना हो जाए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, हाउ डिड सैम एंड बिल गेट जोनी टू गो होम. बिल और सैम और बिल जो है वो किस तरह जोनी को घर तक लेके गए. सैम एंड बिल गेट जोनी टू गो होम बाय टेलिंग हिम दैट दे वर गोइंग टू प्ले विद अ न्यू टॉय हिज फादर हैड बॉर्ड फॉर हिम, के उसके फादर ने उनके लिए एक खिलौना लिया है, हम उससे खेलने के लिए जा रहे हैं. वेयर डिड बिल से दैट ही वुड गेट टू इन मिनट्स. बिल ने किस वेयर डिड बिल से दैट ही वुड
get to in minutes? Is that possible? What does he mean? Bill said that he would be over the Canadian border in 10 minutes, which was not possible. ये क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि वो बिल जो है वो जितना फैट था और जिस तरह वो आहिस्ता, बल्कि वो तो खुद को कह रहा है कि मैं हॉर्स की तरह तेज़ भाग सकता हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट देखिएगा, क्लास बुक पेज नंबर 20 पे आपके क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपको एक लाइन गिवन है, आपने उसमें से आंसर्स बताने हैं। एट लास्ट आई फेल इनटू द ट्रबल्ड स्लीप एंड ड्रीम दैट आई हैव बीन किडनैपिंग एंड, ये लाइन है, आपको दो लाइन इनको आपने समझने हैं और फिर आंसर देने हैं। हु इज़ दिस अबाउट, ये किसके बारे में है? सैम इज़ ड्रीमिंग अबाउट जोनी। नेक्स्ट है, वाई इज़ हिज स्लीप ट्रबल, उसकी वो स्लीप से क्यों, यानी कि नींद में क्यों डर गया? ही हैज़ किडनैप जोनी बट द किडनैप इज़ नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज़ दिस अ स्ट्रेंज ड्रीम फॉर दिस करेक्टर टू बी हैविंग? सैम इज़ किडनैपर नॉट द विक्टम बट इन हिज ड्रीम द रूल्स हैव बीन रिवर्स्ड। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, यानी कि इसमें फिर से आपको एक लाइन गिवन है, आई थिंक मिस्टर डॉर्सेट इज़ जेनरस फॉर मेकिंग सच एन ऑफ़र, यानी कि मेरा ख्याल है मिस्टर डॉर्सेट ने जो हमें ऑफ़र दी है वो बहुत ही, मिस्टर डॉर्सेट जो वो बहुत ही निहायत फ्याजी इंसान है कि उन्होंने हमें ये ऑफ़र की है। इसका क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर एंड द होम आर द वर्ड एड्रेस्ड, ये किस के अल्फाज थे? बिल ने कहा था सैम से, बिल टू सैम। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ मिस्टर डॉर्सेट एंड वट इज़ हिज ऑफ़र, मिस्टर डॉर्सेट कौन थे और उन्होंने क्या ऑफ़र की थी? ही इज़ जोनीज फादर एंड, जोनी के फादर थे और इज़ ऑफरिंग टू टेक जोनीज बैग इफ़ द किडनैपर्स पे हिम, और उन्होंने ऑफ़र की थी कि मैं जोनी को तभी वापस लूँगा जब मुझे किडनैपर्स अमाउंट देंगे। वाई इज़ दिस ऑफ़र अनयूजुअल इन दिस सिचुएशन, इट इज़ अनयूजुअल द अदर वे द राउंड, द रैंसम इज़ पेड टू द किडनैपर्स नॉट बाय देम। यहाँ तक काम जो है क्वेश्चन आंसर्स और ये जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है ये कॉपीज पे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्लास अब हम बुक वर्क करेंगे, बुक पेज नंबर 22 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन योर एक्सरसाइज बुक पुटिंग अ ब्रैकेट अराउंड द सब्जेक्ट एंड अ लाइन अंडर द प्रेडिकेट। आपने सब्जेक्ट के इर्द गिर्द ब्रैकेट बनानी है जबकि प्रेडिकेट के नीचे लाइन लगानी है। सब्जेक्ट जो होता है जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। जैसे फर्स्ट में देखिएगा, बिल रोज स्लोली, बिल जो है वो सब्जेक्ट है जबकि रोज स्लोली जो है वो प्रेडिकेट है। नेक्स्ट देखिएगा, बी गुड जोनी, जोनी के बारे में है तो जोनी जो है वो सब्जेक्ट है, बी गुड जो है प्रेडिकेट है। नाउ आई वॉन्ट यू टू गो होम, आई जो है वो सब्जेक्ट है, बाकी सारा सेंटेंस प्रेडिकेट है। नो बडी गॉट एनी स्लीप बिकॉज ऑफ द नॉइस, नो बडी जो है वो सब्जेक्ट है जबकि बाकी सारा सेंटेंस प्रेडिकेट है। जस्ट डू इट, इट जो है वो सब्जेक्ट है, जस्ट डू जो है प्रेडिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, एड सूटेबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग सो दैट दे बिकम कम्प्लीट सेंटेंसेज। आपने सब्जेक्ट लगाना है ताकि सेंटेंस को कम्प्लीट कर लें। डैश एम्बल्स डाउन द रोड अली, एट द एंड ऑफ द डे डैश स्ट्रेचेस आउट इन हिज चेयर ऑफिसर, इन द लार्ज मैंशन लाइज अ किंग, व्हेन दे अराइव डैश लुक्ड एस्टोनिश्ड, यू डैश चेज्ड द कैट्स डॉग डैश क्लीनड अप द मेस माई मदर। जी क्लास, यहाँ हमारा लेक्चर नंबर 4 कम्प्लीट हो गया है। इस चैप्टर की हमने कम्प्लीट रीडिंग कर ली है, क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं, बुक वर्क कर लिया है। जितना काम आपको लेक्चर्स में करवाया गया है उसे ध्यान से अपनी नीट कॉपीज पे नोट डाउन करें। अल्लाह हाफिज़।